मैंने पैसा नहीं आने का कारण है। बोलिए जो मैं पूछ पूछ के मैं जवाब अवश्य दूंगा। तुम्हारा घर कहाँ से है? तुम्हारा नाम क्या है? अरे का काम क्या है? राजा मेरा घर है उरियल किला। उरियल किला और मेरा ही नाम है राजा महल। क्या आप घर की ना उरियल? आप ही के नाम बाबा माही? हाँ हाँ प्रणाम मामा जी। आशीर्वाद भले थे। बोलिए राजा। मामा जी बताइए ऐसा कौन मारा सुरमा पैदा लिया है कि आपका उजल किला पर चढ़ाई किया है? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने जला करके राख कर दूंगा। राजा आज तक कोई मैं करार अकाल किला में पैदा नहीं लिया है कि मैं ही तो रहते हुए जाकर के उजल किला पर वह आंख बता देगा। मामा जी जब कोई देश का छतरी तब उजल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो मेरा दल का कराने का जरूरत क्या? अरे राजा एक बात बता सकते हैं? दो बात बताएंगे मामा जी, बताइए तो। आज ये टीकाकरण में कोई अभ्यागत भी आए हैं मेरा दल का घर? हाँ ऐसा कौन कुमार के बाद पैदा लिया कि मेरा दल का घर आएगा? कोई नहीं आया है। नहीं लेकिन सुने लिए चाहते हो? जरूर सुनेंगे। आपके सिवा छोड़ के कोई नहीं आया है मेरा घर? सही बात है। लेकिन राजा आज राजू महाशिव बाबू जंगीर उदर सिंह और साथ में देवा पंडित दोनों ही मिलकर के आ रहा है। राज महापा से बाबू उदर सिंह हाँ साथ में देवा पंडित। देवा पंडित तो दरगाह कर चाय पानी करेंगे, वो अपने घर को जाएंगे, क्या जरूरत है? शाबाश। लेकिन दल का घर किसलिए आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? आज दल का घर में मैं जानता हूं कि दल का घर में तीन समान है, चंदन चरखा कटक लोड़ा मरवन बाजा। वो तो मेरे पास है और दूसरे तीसरा देश में कहीं नहीं मिलता है, ये नहीं है। लेकिन आज वही तीन समान आपसे ले जाने की वह आ रहा है। दामोदर सिंह और देवा पंडित महात्मा राज से बाबू उदर सिंह साथ में देवा पंडित मेरा दरगाह का आ रहा तीस समझने के लिए ले जाने के लिए। चंदन चरखा कटल हो गया मड़वन बाजा मड़वन बाजा। मां जी बताइए इसीलिए कहते हैं कि आप चुगल खोल हो। राजा मैं चोरी करना छोड़ दिया हूँ। मामा जी बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। जब तक नहीं आप चुड़ी लगाई लगाते हैं तो आप पीठ का तवा पानी हजम नहीं होते हैं। किसी जगह अगर नहीं चुड़ी सुधरा तो मेरा दल का घर आग लगाने के लिए आए हैं। राजा आपका जैसे विश्वास हो उसे आप ये बोला हमसे कसम खिला के भूल सकता का घर आ जाएगा। अगर सही बात है तो आपका बेटा एक चल अबचल बचा हुआ है। आज सिर्फ एक ही है। मुझे पता है मामा जी वो बेटा रहेगा आप सिर्फ के संभाल दिए भरत सिंह के पास। मैं देख लूंगा उनकी सुबह को चावल मामा माही झूठ बोलने के लिए आए होंगे ये दरगाह घर तो मेरा बेटा अभी बार नाश हो जाएगा। मामा जी सही बात है। राजा मैं जानता हूं दोनों ही मिलकर के आ रहा है। अगर वह तीनों समान देने साथ यह दल का गर्दन इनकार हो जाएगा तो शायद आपको जीवन यहां बच नहीं पाएगा। वो दुश्मन बोला है दो जवान से नहीं निकालिएगा तीनों समान ले लेगा। यह अपने मां को दूध पिया है नहीं पिया भरत सिंह ने किसी शहर बाजार में भरत सिंह को मां दूध बेची नहीं है भरत सिंह बेटा को पिलाई है। राजा बोलिए पिलाने से आपको कोई काम नहीं चल सकता है क्या? क्योंकि रूदल सिंह को नाम सुनते हुए इतना राजा को धरिया में पैसा हो जाता है उसका डर से अगर उनसे आप टकराइएगा तो थकरा चूर हो जाइएगा। मामा जी
पॉइंट की बताइए आप कैसे बोल रहे हैं। सात दिन सात अर्थ तक उनसे युद्ध कीजिएगा, आप उनसे पार नहीं पाइएगा, लेकिन पार पाने का एक ही रास्ता है। बताइए मामा जी, आपके ये दल का घर में बहुत फांस है। हाँ मेरे घर में है, बहुत फांस है। युद्ध करते कि ही समय में आपका द्वारपाल मंत्री है। हाँ जब आप युद्ध करते करते पछा जाइएगा, बेबस हो जाइएगा, बोलिएगा मंत्री का चुने बड़े फांस में फंसा दो, बड़े फांस में दोस्त को फंसा करके हरम ज्यादा को कायद कर दो, दिन रात मरता का धुआं दो, साला उसी में तड़ करके मर जाएगा, उनको काम सफल नहीं होगा। आज सुनिए, जैसे वो नाम लेगा तीनों समाज को, हाँ तो पहले उससे लड़ाई करेगा, पहले तो उसी इज्जत कीजिए, अगर दुश्मन भी मिल जाए तो दुश्मन को इज्जत कीजिएगा, तो आपको मान सम्मान होगा। हाँ समझ गए, जब आगे बढ़ेगा तो उससे बकसान नहीं है। ठीक है मामा जी, अगर जो उससे लड़ते लड़ते ये अगर हम उससे थक जाएंगे तो प्रधानमंत्री को पता बुलाएंगे, मंत्री सिर्फ तुम उसको लगा दे बड़ा प्रास्त, कैद करने का मालिक मैं हूं। चलो और वह हरम ज्यादा को तरपा तरपा करके मारो, ताकि साला को दुनिया के याद आ जाए कि मैंने किससे टकराया हूं। अगर लौट कर अगर दूसरे महाराज को चले गया दलगागढ़ से, तो दलगागढ़ का दाना हरम पानी पीने का क्या सोनी दलबर कर गए तो बच के कहां जाएगा मेरा चंदूर से। ठीक है राजा, तुम्हें कौन अच्छे कितनी जान हो, आप चाहिए अरे यहां का बाबा भैया यहां मारे छोड़ो रे अल्लाह के का सुनो भला लड़का करे उड़ल के रे माही मेरे छत की बता के ये मारा के ले ठहरा लट गई माही सही बोल गया है उड़ियल का सरदार कि सही में आ रहा मोहब्बत रे दुश्मन, ये भरत सिंह के चंगुल से तुम बढ़ेगा नहीं, थोड़ा मंत्री को बुलाते हैं उसी से राय लेते हैं कि मंत्री मुझे क्या कह रहा है। चलो ठीक है, एक बात जानते हो मंत्री, तुमको पता नहीं है हमरा कौन पता, अरे आप बचेगा आप तो मार देंगे तुमको, हम क्यों बोल रहा तुमको पता नहीं है महापौर राज से बात कौन सी साथ में दीपा पंडित आ रहा दलका कर और किस लिए, किस लिए तीन समर अपने पास है ना चार चरखा कटा घलोड़ा मड़वेर बाजा सही बात ये आ रहा है, अगर तीनों समान अगर पहुंच जाएंगे क्या करें तो दोनों आदमी को मार डालेगा। बताओ तुम से पूछने के लिए आया है अपना दरबार वहां ना आराम खास है ना, हाँ हाँ जैसे आप युद्ध करेगा वैसे हम फंसा लेंगे। शाबाश मंत्री, किस दिमाग तू लगाया है, अब ऐसा करो
चलो दो आदमी पहले आराम करो। तुम यहां से जाकर के भरत सिंह को खबर कर दो। अच्छा अच्छा कि बाबू का सिंह आ गया। पहले तुम जाकर के भरत सिंह के वो तीन सामान मांगो। अच्छा अच्छा अगर भरत सिंह ने प्यार से सामान दे दिया ठीक तो बहुत खुशी का बात है। अगर प्यार से व्यक्ति ने सामान नहीं दिया तो मुझे आवाज लगाना मैं पहुंचा। पहले प्यारे से प्यारे से अगर प्यार से उन्होंने सामान दे दिया तो दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे। अगर प्यार से सामान नहीं दिया फिर तलवार उसके गर्दन पर चला देंगे। लेकिन कितने जल्द में तुम आएगा? तुम कितने जल्द में आएगा? हमें हमें गली वाले रास्ता घूम के जब तक तुम नहीं आएगा तब तक मेरा नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा। ठीक से कोई बात नहीं सर। Oh,
रहो। क्या बात है? उसका नाम नहीं पूछा तू कौन है? मैं पूछा जाए मुच्छा जाकर करी छोड़ क्या मुच्छा जाकर तेरे भी होता फिर तो कम नहीं हर में जाता करता है क्या सर आप कौन है किन्हें करी बच्चे सही मत किया क्या अपना अपना मंत्री साहब कौन है मंत्री मंत्री कौन है तो उठा किचे मंत्री कौन है चुप मंत्री कहाँ है? आजकल मंत्री जी कौन बोला है? बुजी बुजी बेटा लाल पढ़ का फूटे छोड़ बुजी लगा 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 अबे तो कर लेता हूँ बेहुदा इसको क्या बोला गया हम राजा है वो मंत्री है क्या बोला है बेहुदा है यही बोला था अच्छा सुनो ऐसा करो वो तो मजाक कर लिया करो कोई बात नहीं जो भी आदमी आते हैं ना उससे मजाक कर लेता है मजाक कर सकते अरे ठीक से मजाक कर सकते अच्छा सुनो इधर आओ बोलो बोलो तुम्हारा घर कहाँ है अमर घर जो खुटा पर तुम्हारा भाषा कहाँ है भाषा जो माच के भाषा पर क्या लेते हैं आज तक तुमको पर लग गया है पक्का आदमी से हार के नाम पहले पहले थके नाम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है तेरा नाम बोल राजा जो बबाल छोड़ के बोलो ने बाबा घर कहियो अरे बताओ ने कह दियो कहेगा ना तो वैसे रास्ता को बस्ता नहीं करेंगे अच्छा घर घर हम लोग को पड़ता है जाता है सेंटिंग दिस फ्लोर आरे भी उधर तुमको ना नहीं आदमी जो बजा मरे निकले ही है शैंटी थोड़ी फुटा इंग्लिश नहीं जाने जो क्यों ना बुला नहीं गई क्या मुरू का रेप है अगर मतलब नहीं बुझे तो नहीं समझ इसका मतलब हुआ मैंने बीच भूल लिए थे क्या आप पढ़ा था ना बेहुदा अरे तो आप ही कह महाराज बोलो मेरा घर पड़ता है राज मोहब्बा तुम्हारा नाम मेरा नाम मैंने भी देवा पंडित और फिर तुम्हारा साथ में है क्या नाम है माय ब्रदर ब्रदर इज नेम बाबू रुद्र इंग्लिश इंग्लिश में तू बोला हिंदू मैंने बोले थे हम क्या बोले इंग्लिश में हिंदू में बोलेगा तो तू मुसलमान में बोलेगा मारने जैसे मारने के नाम पे बाहर आ जा रहे हैं महाराज आप बता दें आप दोनों खाए पिए दोनों ठीक है किस लिए आया है किस लिए हाँ बड़े 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 हम महाराज बोलो ध्यान से बोलेंगे आराम से बोलेंगे मेरे पास हाँ इज्जत से बोलेंगे कोई भी लेने का सोना चांदी रुपया पैसा हाँ पोटली बांध देंगे तुम्हारा सर पर अच्छा हमारा रुपया पैसा जरूरत नहीं दे अरे क्या मांगा मेरा सर चाहिए ना सर तो हम की कर बोलो क्या लेगा महाराज बोलो अगर आपको देना है तो आपके पास वो सामान है अनमोल सामान जिसका कोई मोल नहीं बताएगा जब तू हम देंगे अनमोल सामान जानते हैं अनमोल किस प्रकार राजा जो पजामा थे अनमोल किस प्रकार था अनमोल का था बिस्कुट को ना जो सामान का कीमत लग ही नहीं सकता इसका उसका दाम बताओ
पता हम नहीं समझ पा सीधे समझ आते हैं क्या समझाएंगे देखिए फिर समझ क्या क्या है हाँ बोलो चंदन चरखा मरुन बाजा कटक हिलोरा अरे वो तो मेरे पास है अच्छा तेरे पास नहीं जाता नहीं तेरा पास तो अच्छा ठीक है दे देंगे ऐसा करो कैसा करो तुम्हारा साथी जो है जी हो रे सिस्टम से बोलो तो बहुत मार मारेंगे सिस्टम अगर तक देख रहे थे कुर्सियों नहीं मिल रहा है बैठे खाते ना सिस्टम पता नहीं चल रे मंत्री अल दरबार में कुर्सी लगा मेहमान सब आ गया और कुर्सी लगा अगर कुछ लोग हमारा अच्छा है तो या मेरे सामने तो मैं से बैठ गया ऐसा कार्य दया साथी तो बोला हाँ अभी बोला इसी टाइम में पहले चाय पियो नाश्ता करो जी अच्छा पका रसगुल्ला खाओ अच्छा तीनों सामान लाओ आराम से घर चले सामान दान दूध में चाय दे दियो दूध के चाय ना निकला गई क्या पेट खराब हो गया तेरे का हाँ पेट गुड़गुड़ा है डॉक्टर डॉक्टर के पास तो है टैबलेट खा लेना जब तक दूध खेलते से बट पेट खराब हो बेहोश इसीलिए तू वहाँ पर डरा के रह जाता है पीने में हम की मैंने भी देखी अच्छा सा कर बोला दूध के लिए एक पाद मगड़ा दो तो बलगा पड़ता हमने जानता है नहीं दोनों आदमी को बीच में देख रहे हैं। वो तो डरा दिया। क्या? वो तो डरा दिया। हाँ ठीक है। तो डरवा ना हम आदान दा। अरे उनको हाथ को नहीं देंगे। अच्छा। तुमको हाथ देंगे। ठीक। बोला बोला। हिम्मत से रहियो भाई मेरे। हिम्मत से। बैठने दो बैठ कर अच्छा ठीक है चलो सारे
महाराज बोलो सबसे पहले दोनों आदमी में परिचय पात्र हो जाए और खुशी की बात है तो खुशी का बात होगा ऐसा बोले कि तुमको साइड में बैठो अरे चलो पागल कहीं का हाँ इनको भी सही है सदा कुर्सी है अच्छा इसीलिए बैठ गए महाराज बोलो सबसे पहले आपसे मैं पूछने के लिए चाहता हूँ ये कौन सा राजा का राज है ये दलकागर है और इस दलकागर का राजा का नाम भरत सिंह है कौन देख लो हम हैं बैटरी चेंज करो चलो ठीक है आप बता दीजिए थोड़ा अधिक परिचय कि आपका घर कहाँ है और नाम क्या है महाराज मेरा घर राजमापा पड़ता है मेरे पिताजी का नाम राजा भाभी के नाम रानी सोना है बेटा का नाम बाबू उत्तर सिंह साथ में देवा पंडित है मेरा नाम बाबू उत्तर सिंह अरे बेटा वो तो नाम बता रहा था ऐसे ऐसे क्या महाराज बोलिए मैंने आज आपके दरबार आया हूँ किसने क्यों आया चर्चा कीजिए सर देखिए हम तो अपने दरबार में सोचते थे कि कोई देश का राजा महाराजा नहीं आते हैं अगर आएगा उसके लिए चाय नाश्ता व्यवस्था हर चीज खिलाएंगे एर पे होना कभी चाय नहीं पिया है महाराज बोलो मेरे पास एक मित्री है उसे शौक है उसे दुनिया का तमाम खिलौना पसंद नहीं आया उसे पसंद है यही तीन खिलौना अगर आप दे देते हैं महाराज तो तीन सवाल के बदले में जो याद मांगिएगा मैं वह सवाल जी भर के उसका काम देने के लिए तैयार देखो उधर से तीनों सवाल को नाम दो हेलो हेलो अच्छा किया हेलो चाय पिया क्या हो गया चाय पिया हाँ हाँ चाय तो पी लिया बहुत अच्छा किया तो चाय पी लिया अगर रहना है तो रहो अन्यथा अपने घर पे जाओ बोलो वो तो चाय था अगर खुशी से आप मुझे चाय भी दे दीजिएगा तो मैं खुशी से चाय भी पी लूंगा नहीं चाहिए क्या रे वो चाय था रुदर सिंह चंदन चरखा कटक लोड़ा मड़वन बाजा नाम लिया बहुत अच्छा किया ये तीनों सामान जो है एक दल का करके नाथ है समझ गया है मान से सम्मान हुआ वो सोच लो विशेष नहीं काम ठीक है महाराज अगर आप वो से नहीं दे सकते तो छह महीना के लिए मुझे दे दीजिए क्या रहा है फिर छह महीना के बाद मैं वह तीनों सामान आपको वापस लौटा देंगे शायद तुम नजर से नहीं देखेगा छह महीना के लिए तुम क्या मांग रहा भरत सिंह अगर वह तीनों सामान का कीमत झूठ ही मांगे मैं वह तीनों सामान को कीमत देने के लिए तैयार हूं चाहे वह तीन सामान के बदले में कीमत के बदले में तू मेरा कलेजा मांगेगा ना मैं अपने कलेजा फाड़ करके तुम्हें दे दूंगा तीनों सामान को कीमत बहुत तुम पैसे वाला हो गया नहीं एक बार तू सोच ले कान खोल करके बैठेगा कि नहीं तू किसको तल लेगा किसको तल लेगा रे क्या करेगा राजा क्या करेगा
तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता मोहन रुदम आया तुम्हारे पास अगर भलाई है इंसानियत है बड़े भलाई है अपनी राज बाबा भाग जा भाग हाँ आइए अगर तीनों समार को जवान पर नाम लिया तुम सोच ले तू कहां आ गया है तलकागर बच के तू नहीं जाएगा भरत सिंह मरने का धर कि मुझे मत दुखा ये बाबू रुदम सिंह है ना मुझे जिंदगी जीने का शौक है ना मुझे मरने का डर जो मेरा कदम आगे चलता है जिस समाज के ऊपर मेरा नजर चला जाता है तो मरते दम तक वह सामान अपना काबू में करता रुदम सिंह ये भरत सिंह दो बार समझाता है अगर वो दो बार में समझ गया वो अमर हो गया ये अगर दो बार में नहीं समझा तो सोचने वो भगवान हो जाता है भरत सिंह मैं प्यार से बोलता हूं मैं भी प्यार से बोलता हूं भरत सिंह बोलो दे दे सामान इसी में तुम्हारा भलाई है सामान नहीं मिलेगा रुदम सिंह और ये जवान का नाम नहीं लो सामान को अगर जवान को तीनों सामान का नाम ले लिया तो जान से मरेगा तू मेरे हाथों से भरत सिंह शायद अगर सामान नहीं दिया तो वह सामान का साथ तुम्हारा प्राण भी चले जाएगा मिट्टी में मिला देंगे साला हिजरा का बचा अभी तक तुम बचा है सिर्फ तीन सामान के बदल नहीं तो इतना बोलने का मौका बाबू रुदम सिंह भगवान कभी नहीं देगा बोलो तुम्हें सामान देना है या ना देना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा मैं प्यार से समझाता हूँ अगर प्यार से समझ आता है साले को आजाद कर देता हूँ जो आजाद से नहीं समझता है साले को एक ही धास चौसरा में जमराज के पास भेजा देता हूँ Just
रुको ना, आप तुर तुर आके दोनों ने मार लगे भले सिंह बल जो मैदान से पीछ दिखा करके भागेगा अपने बाप का औलाद नहीं साला हिजरा का औलाद होगा। जो क्या होता है कायर होता है अगर जिसे फैसला करना है आमने सामने फैसला कर मानो कहलाएगा जो किसी के साथ धोखाबाजी करेगा अपने बाप का औलाद नहीं बल्कि हिजरा का औलाद होगा। तुम जैसे माँ के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा अपने माँ को गाली सुनाया तूने मेरे साथ धोखाबाजी ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बदन में खून नहीं साला तुम्हारे बदन में पानी है। अगर तुम अपने माँ का दूध पीता है तो मेरे साथ धोखाबाजी से मर्म फांस में तूने नहीं फंसा था। चल ठीक है भरत सिंह और एक बात सुन ले शायद तुम्हारे लिए बड़े प्रहर ठीक है तुमको बड़े प्रहर में डालेंगे उसमें तुमको सुला देंगे और तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा 80 मन नमक छीट देंगे। यह अगर उससे तुम बच गया तो क्या करेंगे तुम्हारे कानों में शीशा झरका कर मार दूंगा। 14 कोठी पंश तुम्हारे बदन पर छोड़ दूंगा। भरत सिंह चलो मुझे मारना तो जान से मार देना अगर मेरे बदन का एक भी रुआ
हरमजादा तुम्हारे ये राज निकालों का काल है, मेरा तदन का रुआ हरमजादा महाकाल बन जाएगा। आ रहे हैं तुम्हारे लिए खाना पीना सब कुछ बंद करने